فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم قدوة الأولياء شیخ المشائخ قبلہ دل و جان سیدی و سندی دامت برکاتکم فخر المشائخ پیر طریقت پیر سید کبیر علی شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورا شریف محترم المقام پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب زینت آستانہ عالیہ کرمہ والا شریف دیگر محترم و مکرم مشائخ و علماء کرام معزز خواتین و حضرات مہمانان گرامی قدر اور معزز حاضرین آج اللہ جل مجدہ کا جتنا بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے اس کی رحمتیں اور نعمتیں بے حساب ہیں جن کا شمار انسان اپنی فہم و بصیرت کی بساط میں نہیں کر سکتا مگر آج غوث اعظم کانفرنس کا انعقاد اور اس عظیم بابرکت اور باسعادت کانفرنس میں ہزارہا شرکا اور اس فکری اصلاحی عملی تربیتی اور روحانی تحریک منہاج القرآن کے جملہ وابستگان صدہا بار مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج اس مبارک موقع پر ہماری نگاہوں کو اور ہمارے دلوں کو سیدنا غوث العظم غوث الثقلین ملحق الاصاغر بالاکابر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی نشانی اور آپ کے حسن ظاہر و باطن کا عکس کامل اور آپ کے فیضان روحانیت کے امین وارث اور تقسیم کنندہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہماری نگاہیں اور ہمارے دل ان کی زیارت سے اور ان کے دیدار فرحت آثار سے سیراب ہو رہے اور ہمارے ایمانوں کی وجدان کی ایقان کی اور قلب و باطن کی تازگی کا
और सैराबी का सामान अल्लाह पाक इस तरह फरहम फरमा रहे हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में चंद कलिमात हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान विलायत के हवाले से जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, उनमें ये बात अहम तर है कि तमाम औलियाए कराम की विलायत अल्लाह जल्ला मजदहू के साथ ताल्लुक पर उस्तवार होती है। वो ताल्लुक जब एक रूह की दायमी कैफियत और दायमी हालत और दायमी मुकाम में बदलता है और ताल्लुक कल्ब बातिन के रगो रेशे में सिरायत कर जाता है तो उसे तसव्वुफ की इस्तिलाह में निस्बत कहते हैं। हर वली को उस ताल्लुक के खास के हवाले से कोई ना कोई निस्बत हासिल होती। किसी को निस्बत इश्क नसीब होती है, किसी को निस्बत इताअत नसीब होती है, किसी को निस्बत मारिफत नसीब होती है। और फिर ये निस्बतें जूं जूं फरोग पाती हैं तो इन निस्बतों के तायुनात और तशख्खुसात की बिना पर उस साहिब निस्बत की विलायत का मिजाज तामीर होता है। और इस तरह हर वली की विलायत अपनी खास निस्बत के हवाले से एक शनाख्त रखती, एक मिजाज रखती और उस खुसूसी मिजाज के बिना पर बाज़ औलियाए कराम की विलायत को विलायत ईसवी का नाम दिया जाता है। बाज़ औलियाए कराम की विलायत विलायत मूसवी कहलाती और बाज़ की विलायत विलायत इब्राहिमी कहलाती। ये ईसवी मूसवी और इब्राहिमी विलायतें दरअसल विलायत के वो मुख्तलिफ मिजाज हैं जो उनकी रूहानी निस्बत की बिना पर अपने खास तशख्खुस के हवाले से तामीर होते। बाज़ औलियाए कराम एक निस्बत के हामिल होते, इस तरह इलावा इसके भी निस्बतें, बाज़ औलियाए कराम दो निस्बतों के हामिल होते हैं, बाज़ों को तीन निस्बतें मिलती, बाज़ औलियाए कराम ऐसे भी हैं जो सात सात निस्बतों के जामे होते हैं। मगर वाकया ये है कि हर एक निस्बत ख्वाब व निस्बत इताअत हो, निस्बत मारिफत हो, निस्बत इश्क हो, निस्बत जज्ब हो, वो जूं जूं तरक्की करती है, फरोग पाती है तो तरक्की करते करते जब अपने मुंतहाए कमाल पे पहुंचती है, अपने कमाल के आखिरी हद पर पहुंचती है तो वो निस्बत अबदियत में बदल जाती है। हर निस्बत की आखिरी हद, हर निस्बत की इंतहा और हर निस्बत का मुंतहाए मकसूद और हर निस्बत के सफर कमाल का आखिरी मरहला वो निस्बत अबदियत होता। तो मुख्तलिफ औलियाए कराम मुख्तलिफ निस्बतों को तरक्की दे देकर एक मरहले पर जाकर निस्बत अबदियत को हासिल करते हैं। इसी तरह विलायत ईसवी, विलायत मूसवी और विलायत इब्राहिमी अपने तमाम तर मराहिल मदारिज रुतबे और कमालात से गुजरती गुजरती जब अपने नुक्ताए कमाल पे पहुंचती है तो विलायत मुहम्मदी के दायरे में दाखिल होती। हुजूर सैयदना गौसुस्सकलैन गौसुल आज़म अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी निस्बत में भी साहिब इम्तियाज थे और अपनी विलायत में भी साहिब इम्तियाज थे। वो निस्बत अबदियत जो दीगर सालिकीन को तरीकत और रूहानियत की राह के मुसाफिरों को तमाम मरहले उबूर करने के बाद जाकर नसीब होती है, सैयदना गौसुल आज़म की विलादत भी निस्बत अबदियत पर हुई थी। सुभान अल्लाह।
आपको अल्लाह जल्ला मजदहू ने आपके अंदर सारी निस्बतें जमा फरमा दी थी, और आपकी विलादत के वक्त से ही आलम अरवाह से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको निस्बत अबदीयत के साथ बेहरावर फरमा दिया था। और निस्बत अबदीयत पर मुतमक्किन होने की बजाय की वजह से सैयदना गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु विलायत ईसवी, विलायत मूसवी और विलायत इब्राहिमी के रास्तों से सफर तय करके अपने मकसूद को पाने की बजाय अल्लाह जल्ला मजदहू ने आपको रोज अव्वल से विलायत मोहम्मदी से सरफराज फरमा दिया था। इसलिए आप फरमाते हैं कसीदा गौसिया में, वकुल्लु वलीयिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदम नबी बदरिल कमाली, कि हर वली को एक खास कदम नसीब होता है, और वो कदम वली का क्या होता है, किसी को विलायत ईसवी का कदम मिलता है, किसी को विलायत मूसवी का कदम मिलता है, किसी को विलायत इब्राहिमी का कदम मिलता है। विलायत ईसवी वाले की विलायत के मिजाज में हजरत ईसा अलैहि सलाम के मोजजात का रंग झलकता नजर आता है। विलायत मूसवी की विलायत के मिजाज में हजरत मूसा के यद बैजा का रंग झलकता नजर आता है। विलायत इब्राहिमी की विलायत के मिजाज में नारे नमरूद के गुलजार होने का रंग झलकता नजर आता है, मगर जब उसे विलायत मुहम्मदी मिलती है तो मोजजात मुस्तफवी कामीन बना दिया जाता है। इसलिए आपने फरमाया वो कुल्लो वली लहू कदम व इन्नी, हर वली को एक कदम मिलता है, हर वली के लिए एक रास्ता है, हर वली के लिए एक निस्बत है, हर वली के लिए मिजाज विलायत है, हर वली के लिए एक अपना तरीके कमाल है, मगर किसी को कोई रास्ता मिला, किसी को कोई रास्ता मिला, मगर अब्दुल कादिर को कदम मुस्तफा नसीब हुआ और रास्ता मोहम्मदी नसीब हुआ रजी अल्लाह तआला। यही वजह है कि आपको महबूबियत में वो कमाल नसीब हुआ जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। औलिया कराम ये मुकामात जब तय करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से कुर्ब की मंजिलें पाते हैं, कुर्ब की मंजिलें पाते हैं। और कुर्ब की तीन किस्में, ये तीन दर्जे कहिए, कुर्ब के तीन दर्जे, कुर्ब नवाफिल, कुर्ब फराइज और जमा बैनुल कुर्बैन। सही बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अलैह हदीस, हदीस कुदसी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ला मजदहू का ये इरशाद है, मारूफ हदीस है, मैं उसमें से एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया मन आदा अली वलियन फकद आज़न्तुहु बिल हर्ब वमा यतकर्रबु इलैय अब्दु बिशैइन अहब्बु मिम्मा इफ्तरस्तु इलैह वला यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैय बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु फइज़ा अहबबतुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्तअज़नी लऊइज़न्नहु। आप अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिसने मेरे वली और मेरे दोस्त के साथ अदावत और दुश्मनी रखी, वो जान ले कि मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। वो जंग कब बपा होती है ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, मगर उसके साथ ऐलान जंग है। इसके बाद फरमाया कि जितना कुर्ब किसी शख्स को फराइज के जरिए मेरी बारगाह में मिलता है, अल्लाह पाक का इरशाद, जो कुर्ब फराइज के जरिए किसी को मेरी बारगाह में मिलता है, दुनिया का कोई अमल इतना कुर्ब उसे मेरी बारगाह में अता नहीं कर सकता। तो फराइज की अदायगी के जरिए हासिल होने वाला कुर्ब सबसे ऊंचा कुर्ब है। मिम्मस्तरस्तु अलैह, अब इस मकाम पर मिम्मस्तरस्तु अलैह, इसमें कुर्ब फराइज का इशारा है कि जो कुर्ब फराइज के बायस मिलता है, दुनिया का कोई अमल उस कुर्ब को नहीं पा सकता। इसके बाद अगले हिस्से में कुर्ब नवाफिल का जिक्र, फिर फरमाया ला यजादु अब्दी यतकर्रबु इलैय बिन नवाफिल हत्ता अहिब्बहु, बंदा नफल के जरिए मेरे करीब तर होता चला जाता है, इतना करीब होता है कि मैं उसे महबूब बना लेता हूं। फैजा अहबबतुहु,
और जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं कुर्बे नवाफिल के जरिए, कुर्बे नवाफिल के जरिए अपना महबूब बना लेता हूं, तो कुन तो समी यसमा ही, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, वली जिसे कुर्बे नवाफिल नसीब हो जाए, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो गिरफ्त करता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, एक रिवायत में है मैं उसका दिल बन जाता हूं जिससे वो इरादा करता है, और फरमाया हत्ता कि अगर मुझसे वो सवाल करता है मैं उसे यकीनन अता करता हूं, और किसी के लिए मेरी बारगाह से पना मांगता है तो यकीनन पना अता करता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से कुर्बे नवासिल के जरिए उस वली को यह मुकाम नसीब होता है कि उसका देखना अल्लाह से है, सुनना अल्लाह से है, पकड़ना अल्लाह से है, चलना अल्लाह से है, इरादा अल्लाह से है, उसकी सारी हकन हरकत के अंदर फायल अल्लाह की जात हो जाती। अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसकी ये माइयत की निस्बत हो जाती, ये कुर्बे नवाफिल। तो नवाफिल का कुर्ब यह है कि अल्लाह उसके कान बन जाता है जिससे वली सुनता है, अल्लाह आंख बन जाता है जिससे अल्लाह का वली देखता है, अल्लाह उसके हाथों की मानिंद निस्बत फरमाते हैं अपनी तरफ जिससे वो गिरफ्त करता है, अल्लाह ने उसके दिल की निस्बत अपनी तरफ की जिससे वो इरादा करता है। ये मुकाम मैयत का तो अल्लाह के वली को कुर्बे नवाफिल के जरिए मिलता है, और जब कुर्बे नवाफिल से आगे गुजरे और बंदे को कुर्बे फराइज नसीब हो तो कुर्बे नवाफिल में बंदे के जाहिर की निस्बत अल्लाह की तरफ थी, बातिन में बंदा खुद फायल था, मगर कुर्बे फराइज में बातिन में अल्लाह फायल हो जाता है, और अब वहां सूरत हाल बदल जाती है, वो मुकामे मैयत था और कुर्बे फराइज पर मुकामे फनायत हो जाता है, फनायत का मुकाम हो जाता है। पहले देखता बंदा था, कान अल्लाह की तरफ मंसूब थे, आंख अल्लाह की तरफ मंसूब थी, सुनता बंदा था, कान अल्लाह की तरफ मंसूब थे, पकड़ता बंदा था, हाथ अल्लाह की तरफ मंसूब थे, मगर कुर्बे फराइज के मुकाम पर बंदे का देखना न रहा, आंख बंदे की हो गई, देखना रब का हो गया, कान बंदे के हो गए, सुनना रब का हो गया, अब हाथ अल्लाह के बंदे के हो गए, पकड़ना रब का हो गया, दिल बंदा का हो गया, चाहना रब का हो गया। वहां जाहिर की निस्बत अल्लाह की तरफ थी, अब कुर्बे फराइज में आकर बातिन की निस्बत अल्लाह की तरफ हुई। कुर्बे नवाफिल में मुकाम मैयत का था, कुर्बे फराइज में मुकाम फनाइयत का हो गया, अब फाल अल्लाह की जात हो गई, वो बंदा एक बुर्दा है, कुव्वत अल्लाह की कार फरमा है, मगर अब जाहिर बंदे का है। और जब जमा बैनुल कुर्बैन का मुकाम आता है, इस कुर्बे फराइज के लिए फरमाया हदीस पाक में अलहक को यंत को अला लिसान उमर, कि अल्लाह हजरत उमर की जुबान पर बोलता है, जुबान हजरत उमर की है, बोलना अल्लाह की तरफ मंसूब है। और दोस्तों फिर कुर्बे नवाफिल के बाद कुर्बे फराइज का दायरा आता है, और वली तरक्की करता करता कुर्बे फराइज से भी आगे गुजरता है, वो मुकाम आता है जहां नवाफिल और फराइज के दोनों कुर्ब एक कुर्ब में जमा हो जाते हैं, उसे कहते हैं अल कुर्ब जमा बैन अल कुर्बैन। किसी वली ने कुर्बे नवाफिल पाया, किसी वली ने कुर्बे फराइज पाया, मगर विलायते सैयदना गौसुल आजम का आलम यह है कि कुर्बे नवाफिल भी नीचे रह गया, कुर्बे फराइज भी नीचे रह गया, आपको जमा बैन अल कुर्बैन के मकाम पर फायज किया, जहां आपका ताल्लुक अल्लाह से ऐसा करीबी हुआ कि ना जाहिर आपका रहा न बातिन आपका रहा, जाहिर में भी अल्लाह का अमर कार फरमा हुआ, बातिन में भी अल्लाह की कुव्वत कार फरमा हो गई। ये वो मुकाम है, ये वो मुकाम है कि जाहिर और बातिन में अल्लाह का वली अपना इरादा छोड़ देता है। किसी ने पूछा अकाबिर औलिया से कि सैयदना गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम क्या था, उन्होंने फरमाया उनका मुकाम था पहले माल्ला, फिर फिल्ला और फिर बिल्ला। इब्तिदा में माल्ला थे,
यानी अल्लाह के साथ थे, अल्लाह की मैयत में थे, अल्लाह की मैयत में थे, फिर फिल्ला हुए, अल्लाह में फना हो गए, और फिर बिल्ला हो गए, अल्लाह के साथ बाकी हो गए। ये जमा बैन कुर्बैन का मुकाम, ये वो मुकाम है कुर्ब है कि जिसकी निशानदेही होती। सैयदना गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला ने खिताब फरमा रहे हैं, हजारों लाखों अफराद का इज्तिमा है, एक चील आई और आपके मजमे के ऊपर चीखना उसने शुरू कर दिया, उसने शोर किया। सैयदना गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला ने अपने खिताब के जोश में नहीं देखा क्या है, किसका शोर है, क्यों शोर है, वो चीखी, मजमा मुतवज्जे हुआ, आपकी गुफ्तगू में इनकिता हुआ, आपने गैर इरादी तौर पे फरमाया मालिक कता अल्लाह होने का के, अरे तू क्या है, तेरा सर कलम हो जाए। बस जुबान अकदस से गैर इरादी तौर पर ये कलमा निकलना था, उसका सर कट गया और तड़प के जमीन पे गिर पड़ी। जब खिताब खत्म हुआ, आपने देखा कि ये कोई चीज मरी पड़ी, पूछा क्या है, अर्ज किया हुजूर ये चील है। पूछा कैसे मर गई, ये जमा बैन अल कुर्बैन समझा रहा, कैसे मर गई, अर्ज किया हुजूर की जुबान से निकला था कता अल्लाह उन्हों का के, आप मुस्करा दिए, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठोकर मारी, फरमाया जा चील उड़ जा, तुझे मारना मकसूद ना था, उड़ गई, परवाज कर गई। ये वजह है कि सैयदना गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु उस मुकाम पर फायज हुए कि आपने फरमाया अफलत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अला उफुकिल उला ला तगरबू, वलायतों के सूरज चढ़े गुरूब हो गए, मगर हमें विलायत का वो सूरज नसीब हुआ, चूंकि कदम मुस्तफा था, जैसे पहले नबी आए और तशरीफ ले गए, फिर हुजूर आए और साहिब खत्म नबुवत हुए, फिर क़यामत तक आका की नबुवत के डंके बजते रहे। इसलिए कई औलिया की विलायत के सूरज चढ़े, अपने अपने वक्त तक चमके, गुरूब हो गए, मगर जब विलायत गौसियत के सूरज के तुलू का वक्त आया, फरमाया अबदन अला उफुकिल उला ला तगरबू, अब अब्दुल कादर की विलायत का सूरज चढ़ा है, कयामत तक यह चमकता ही रहेगा, इस पर तुलू रहेगा, गुरूब नहीं आ सकता। ये वजह है, चूंकि दायमी विलायत का सूरज चढ़ा, इसलिए आपको यह शरफ नसीब हुआ कि खिताब करते हुए बोले कदम ही हाजही अला रकबत कुल वलीला, मेरा कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है। क्यों? चूंकि ये जो साहेब कदम मुस्तफा थे, ये साहेब कदम मुस्तफा थे, फरमाया मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। 313 अकाबिर औलिया शर्क से गर्ब तक थे, जिन्होंने आलम रूह में आपके हुक्म को सुना और वहीं सर झुका के कहने लगे बल आला रासी वैनी, हुजूर हमारी गर्दन पर नहीं, हमारी सर और आंखों पर भी है। हरमैन के औलिया ने सर झुकाया, मिस्र के औलिया ने झुकाया, जजायर के औलिया ने झुकाया, सरानदीप के औलिया ने झुकाया, इराक के औलिया ने सर झुकाया, अरब से अजम तक, शर्क से गैब तक, हत्ता के हिंद हिंद की सरजमीन पर किसी पहाड़ की हार में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह तआला अन्हु मुराकिब थे, सरजमीन बगदाद से साहिब कदम मुस्तफा सैयदना गौसुल आजम का फरमान हवाओं और फिजाओं में गूंजा, कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ले वलीला, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। हजरत ख्वाजा अजमेर का सर उस घार में झुक गया, कहा आका अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन की गर्दन पर ही नहीं बल्कि सर और आंखों पर भी आपका कदम है। इसलिए हजरत ख्वाजा अजमेर साहिब कदम मुस्तफा की बारगाह से हुसूल फैज के लिए बगदाद पहुंचे और आपने इक्तसाब फैज किया, और शहनशाह औलिया सुल्तानुल आरिफीन हजरत ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रजी अल्लाह तआला अन्हु 100 साल बाद विलादत हुई, 100 साल बाद विलादत, मगर 100 साल बाद विलादत होती है, मगर आलम रूह में हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की रूह मजाए गौसे आजम की तरफ बगदाद की तरफ मुंह करके 100 साल बाद पैदा होते हैं, मगर फैज पहले ले रहे हैं। और हजरत शेख सुरवर्द शहाबुद्दीन सुरवर्दी रजी अल्लाह तआला नौमरी में अपने चचा के पास मिलकर आते, आपकी बारगाह में
आप दस्त यकदस सीने पर रखते हैं और सीना फैजियाब कर देते हैं। तमाम तुरक, तमाम सरासन और शर्क से गर्ब तक तमाम औलिया को सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसातत से फैज़ मुस्तफ़वी तकसीम हुआ। ये वजह है कि हज़रत ख्वाजा सरहंद, हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल-फ़िसानी क़ुद्दस सिर्रहु अज़ीज़ अपने मकतूबात शरीफ में आखिर में जा के बयान फरमाते हैं कि विलायत की दो किस्में, विलायत सुगरा और विलायत कुबरा। विलायत सुगरा मुकाम गौसियत पर जाके ख़त्म हो जाती है, गौस से आगे विलायत सुगरा का कोई मुकाम नहीं, मगर विलायत कुबरा का मुकाम गौस आज़म है। गौस आज़म फरमाया ये गौसियत उज़्मा का मुकाम आकाए दो जहां से हुज़ूर की अहले बैत पाक के अइम्मा को मुंतकिल हुआ, और अइम्मा अहले बैत पाक के बाद वो गौसियत उज़्मा सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीब हुई। और फरमाते कि अब वो विलायत नसीब हुई के क़यामत तक अब उनकी विलायत का सूरज चमकता रहेगा। अब औलिया का इत्तेफाक है कि किसी बादशाह को बादशाहत रूहानी, किसी वली को कुतबियत और किसी गौस को गौसियत और किसी वली को विलायत उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक बारगाहे गौस आज़म से मोहर तस्दीक ना लग जाए। क्योंकि अबदन अला फुलुक अला अला तगरुब, अब क़यामत तक आकाए दो जहां ने आपके आफ्ताब विलायत को बुलंद कर दिया है और वह आफ्ताब विलायत चमक रहा है। आज अल्लाह का फजल है 900 साल बीत जाने के बावजूद वो विलायत का आफ्ताब शर्क से गर्ब तक अपनी किरणें बिखेर रहा है, अपनी शुआएं बिखेर रहा है। और जो फैजान हयात ज़ाहिरी में सैयदना गौसुल आज़म की बारगाह से अहलुल्लाह को मिलता था, वही फैजान हयात बरज़खी में आपके मज़ार अक़दस से अहलुल्लाह ले रहे। और जो वली बगदाद जाए और सैयदना गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी न दे, उसकी विलायत सलब हो जाती है, उसकी विलायत बरकरार नहीं रहती, क्योंकि वो शहनशाह विलायत का दरबार है, वो शहनशाह विलायत का दरबार है। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके कुछ मुरीदीन जा रहे थे तौसा शरीफ, रास्ते में किसी ने यही कदम ही हाज ही अला रकबत कुल्ले वलीयिल्लाह आपका इरशाद पढ़ा, और वो कहने लगे कि सैयदना गौसे पाक का ये मुकाम बेशक बुलंद हर वली की गर्दन पर है, मगर हमारे पीर और शेख हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद इतने बुलंद मुकाम के हामिल हैं कि उनकी गर्दन पर उनका कदम नहीं है। ये मुरीदीन में से बाज़ नादानों ने कहा। तौसा शरीफ पहुँचे, मामला हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचा, अर्ज़ कर दिया गया, आप मुस्करा पड़े और अपने मुरीदीन की तरफ मुखातिब होकर फरमाने लगे कि मेरे ज़ालिम मुरीद मुझे वली नहीं समझते, हाय ये ज़ालिम मुझे वली नहीं समझते, मैं इनका पीर हूँ, ये मेरे मुरीद हैं, मुझे वली नहीं समझते, अगर मुझे वली समझते तो मेरी गर्दन पर गौसे पाक का कदम मानते कि गौसे पाक का कदम जिसकी गर्दन पर नहीं वो वली नहीं है, और जो वली है वो कदम गौसियत से पाक नहीं है। दोस्तों, अभी दो चार रोज पहले मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की समाने हया उलमाए देवबंद के अकाबिर वजूद अशरफ उस समाने मुताला कर रहा था, वो बयान करते कि उन्होंने ख्वाब में देखा हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को, ख्वाब में देखा उनकी कब्र अनवर को, मजार मुबारक को, कि वो ऊंचा मजार है और हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कब्र ऊपर से खुली हुई है, और देखा कि वो उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठे तो फरमाते हैं कि हमारी नजर जो पड़ी उस कब्र अनवर की अंदर दीवार पर, तो हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उनकी अंदर कब्र की दीवार पर लिखा था सगे दरगाहे जीरा शो चुहाही कुर्बे रब्बानी, ये आलम बरज़ख की दीवार पर लिखा है, आलम बरज़ख है, कब्र है, और कब्र भी हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की है, और बरज़ख की दीवार और बरज़खी मुशाहदा उस पर लिखा है
सगे दरगाह जीला शो सुखाही कुर्ब रब्बानी। और वाकया थाना भवन का है हिंद। और फिर आगे देखिए, आज अकायद बदल गए, मादियत ने अकीदों को बर्बाद कर दिया, सही और एतिकादी खत्म हो गई। उन उलमा काबिर को मानने वालों, कभी ठंडे दिल से उनकी किताबें पढ़ा करो। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब खुद उनकी किताब इफाजात यौमिया याद करो, क्या नाम है, इफाजात यौमिया, रोजाना जो मजलिस होती थी उनकी और जो कुछ बयान फरमाते थे उनके मुरीदीन उलमा नकल कर लेते थे, इफाजात यौमिया, उसमें नकल करते मौलाना थानवी नकल करते, कहते हैं कि मैंने हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से सुना और इसलिए यकीन किया कि उनकी जुबान से सुना और एतिकाद कर लिया, और अब आगे अपने मुरीदों और शागिर्दों को सुना रहे। कहते हैं कि लोगो, तुम ताज्जुब करते हो औलिया अल्लाह के हालात पर, औलिया अल्लाह के कमालात पर, औलिया अल्लाह की करामात पर, आओ मैं तुम्हें इनसे एक अजीब तर बात सुनाता हूं, और जो मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी की जुबान से सुनी, जिसमें शक भी नहीं किया जा सकता। तो थानवी साहब फरमाते हैं कि मैंने सुना कि सैयदना गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक धोबी मर गया। ये उम्र भर आप सुनते रहे उलमा से, सुनते थे कि नहीं, और इस करामत का लोग मजाक उड़ा देते होंगे, देखो जी ये धोबी मर गया, ये अजीब बात है। मगर अब आज मैं सुना रहा हूं मौलाना अशरफ अली साहब थानवी के हवाले से, अब जिसका मजाक उड़ाने का जी चाहे उन्हीं का उड़ाए, मैं तो फकत नाकिल हूं, मैं तो माज हवाला दे रहा हूं। तो फरमाते हैं कि एक धोबी मर गया, यह है कमालात विलायत, यह है बरकत निस्बत। लोग पूछते हैं औलिया अल्लाह से निस्बत का तुम्हें फायदा क्या है, तुम शहजादा गौसुल वरा की बात करते हो, तुम बगदाद शरीफ की बात करते हो, हजरत ख्वाजा हजवेर की बात करते हो, हजरत ख्वाजा सरहंद की बात करते हो, हजरत ख्वाजा अजमेर की बात करते हो, हजरत ख्वाजा नक्शबंद की बात करते हो, ख्वाजा सुरवर्द की बात करते हो, और शहनशाह औलिया सैयदना गौसु सकलैन की निस्बत की बात करते हो, हजरत कुदवतुल औलिया की निस्बत की बात करते हो। पूछते हैं निस्बत का फायदा क्या है, आओ वो फायदा भी, करोड़ों फायदे हैं मगर उसमें से एक सुन लो, एक, और वो थानवी साहब का हवाला, जिसको सुनाए मेरा मत दें हवाला, जिसे सुनाए मेरा हवाला मत दें, मौलाना अशरफ अली थानवी का हवाला दें हिफाजात यौमिया का। मेरी जिम्मेदारी फकत इतनी है कि कोई पूछे कि कहां लिखा है, आइए मैं दिखा दूंगा, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी। वो कहते हैं धोबी मर गया, नकीरैन कब्र में सवाल करने के लिए आए और धोबी से आके सवाल किया, पूछा मर रब्बों का, तेरा रब कौन है। वो कहने लगा मैं तो अनपढ़ गुनागार सा आदमी हूं, कुछ पता नहीं तुम्हारे सवाल का, इतना जानता हूं कि गौस पाक का धोबी। पूछा माँ नबीजों का, पूछा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। वो कहने लगा इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, गुनागार आदमी हूं, बस इतना मालूम है कि हुजूर गौस पाक के कपड़े धोता था। पूछा माँ कुंत तकून भी यक्के हाजर रजुल, कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनागार आदमी, हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे धो देता था, हुजूर गौस पाक का धोबी हूं, इतनी बात कबूल हो बख्श दो, नहीं तो सजा दे दो। मलाइका ने देखा होगा अल्लाह पाक की तरफ कि मौला अब तो ये एक नया मुर्दा आया है, आज तक ऐसा केस कब्र में ऐसा केस आज तक नहीं देखा, ये पहली बार अनप्रेसिडेंटेड एक नया केस आया है, अब क्या करें। तो मौला ने फरमाया होगा कि गौस पाक का नाम आ गया है, देखते क्या हो, वापिस मुड़ा, उस धोबी की बख्शिश हो गई, धोबी की बख्शिश हो गई। इस पर थानवी साहब लिखते हैं अगर कोई एतराज करे कि कैसे बख्शिश हो गई, ये तो कोई जवाब ना था कि गौस पाक का धोबी हूं, बख्शिश कैसे हुई। तो थानवी साहब जवाब देते हैं, वो भी सुन लो, मेरा जवाब नहीं, मेरा होता बेशक आप रद्द कर देते, मगर मौलाना थानवी साहब फरमाते कि उसकी बख्शिश हो गई, और क्यों हुई, कहते हैं कि धोबी का बार बार ये कहना कि गौस पाक का धोबी हूं उसकी निस्बत के कभी होने की दलील था, उसकी निस्बत के पुख्ता होने की दलील था,
जो मर के भी गौस पाक को नहीं भूलता, उसका माना यह है गौस पाक का धोबी हूं, जो उनका खुदा है वही मेरा खुदा है, जो उनका रसूल है वही मेरा रसूल है, जो उनका दीन है वही मेरा दीन है। बख्शिश हो गई। तो सैयदना गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के कमालात और फुजूजात और बरकात इस दुनिया में नहीं, आलम बरज़ख में भी है, आलम अरबाब में भी है और आलम आखिरत में भी बरकतें। हजरत शेख हम्माद दब्बास रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सैयदना गौस पाक अपनी जवानी की उम्र है, लड़कपन है, जवानी, बैठे उठ के तशरीफ ले गए। किसी ने पूछा हजरत शेख हम्माद दब्बास से रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये जवान अजमी जवान जो अब्दुल कादिर गया है, बताइए ये विलायत में कैसा लगता है। हजरत शेख हम्माद दब्बास फरमाते हैं, लोगों तुम्हें क्या खबर, मैं इसके सर पे दो झंडे देखता हूं जो अर्शे मुअल्ला तक लहरा रहे हैं। इसकी विलायत के डंके बजने वाले हैं और ऐसा डंका बजेगा तो सैयदना गौसे पाक की विलायत के डंके पहलों ने भी बजाए। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु खिताब के दौरान ख्याल आने लगा कि शायद मेरे जैसा मुकाम विलायत किसी और को नहीं मिल सकेगा। यह ख्याल आया था कि एक कैफियत तारी हुई, आलम मदहोशी में चले गए, गौसे पाक की रूह मुनकशिफ हुई। फरमाया हजरत जुनैद ऐसा मत सोच, अव्वलीन और आखिरीन औलिया का सरदार अब्दुल कादिर आने वाला है। दोस्तों यही वजह है, बात खत्म करना चाहता हूं यह समझाकर, यही वजह है कि अबदन अला उफुकिल उला ला तखरबू, कि गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल को 9 सदियां बीत गई, कई शहीद हुए, कई मगर जो चर्चा शहादत इमाम हुसैन को मिला वो कायनात में किसी और शहीद को, अंबिया के सिवा उम्मतों में किसी शहीद को यूं न मिल सका। और कईयों का विसाल हुआ मगर जो चर्चा गौसे पाक के विसाल और उनके खत्मे 11वीं को मिला, शर्क से गर्ब तक कायनात विलायत में किसी और को न मिला। वो विसात बगदाद में हुआ मगर उनका खत्मे पाक सैयदना गौसे पाक का और उनकी यादगार मशरक से मगरिब तक कोई जबान क्यों ना बोलता हो मगर पीरान पीर दस्तगीर का नाम और नारा हर एक की जुबान से खास आम है। इसलिए कि विलायत का वो आफ्ताब आपके वजूद मसूद के जरिए चमका कि कयामत तक दुनिया विलायत आपकी नूरानी किरणों से मुनव्वर और रोशन हो रही है। ये तहरीक मिनहजुल कुरान भी अल्लाह गवाह है सब उसी फैजान गौसियत महाब की खैरात है। हुजूर गौसे पाक के कदमों का सदका है, हजरत कुदवतुल औलिया के नालैन की खैरात है, इसी खानवादा और इसी दरबार के दरवाजे की खाक और उसकी खैरात है। आओ अगर हम चाहते हैं कि इस तारीकी और जुल्मत के दौर में अपनी रूहानियत को जिंदा कर लें, फिर से ईमान इरफान और इकान के ताल्लुक सलामत हो जाएं, फिर से रूहानियत की जो रोशनी नसीब हो और फिर ताल्लुक बिल्ला उस्तवार हो, तो हमें फिर उसी तरह सगे दरगाह मीरा शो चुखाही कुर्ब रब्बानी इसका विर्द करना होगा, पलट कर औलिया के दरवाजों की तरफ जाना होगा। निस्बत औलिया के बगैर आज ईमान की सलामती नामुमकिन है, ईमान की सलामती नामुमकिन है। अगर अपने ईमान सलामत रखना चाहते हो तो किसी निस्बत वाले से निस्बत पैदा कर लो, किसी निस्बत वाले के हो जाओ, किसी ताल्लुक वाले के हो जाओ, उसकी निस्बत से मुताल्लिक हो जाओ, अपना ताल्लुक अल्लाह वालों से जोड़ लो, औलिया अल्लाह से जोड़ लो, अहले मारिफत से जोड़ लो, अल्लाह पाक आपके ईमान को फिर से सलामती अता फरमाएगा। आइए हम गुफ्तगू खत्म करते हुए अहद करें कि सैयदना गौसे पाक की याद की इस कॉन्फ्रेंस के तुफैल और हुजूर कुदवतुल औलिया की इस ज़ियारत के सदके से अहद करें कि हम भी ज़ाहिर और बातिन की दायमी तहारत को अपनाएं, हम भी उस ताल्लुक बिल्लाह को अपनाएं, हुजूर गौसे पाक की रूहानियत की तरफ मुतवज्जे हो, औलिया किबार और मशायख इज़ाम की नस्बतों और विलायतों की तरफ मुतवज्जे हो और अपना रास्ता बातिल रास्तों से हटाकर जुदा करके औलिया अल्लाह की राह पर अपना रास्ता उस्तवार करें, वो राह अपनाएं जिस पर औलिया चले, सूफिया चले, शुहदा चले, सिद्दीकीन चले, उरफा चले, अतकिया चले और अहलुल्लाह चले। अल्लाह पाक उनके तुफैल दुनिया और आखिरत में हमें ईमान और अमल की सलामती अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اللهم انا نستعين بك ونتوكل عليك ولا اله الا انت لا بسواك اللهم لا رحمه الا ما جعلتها رحمه اللهم صرف عنا الوباء والبلاء والغضب والمرض والسخط والضيق والنقمة آمين. وامنن علينا بالصحة والعافية والبركة والرحمة آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا عافنا واعف عنا وبارك بنا وارزقنا واقضي حاجاتنا آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والدين واخذل الكفر واليهود والهنادك والملحدين والمردودين والمرتدين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين. بجاه النبي الحنين المرسل رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين آمين. محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين آمين. وبجاه مالك أزمة المتصرفين ملحق الأصاغر بالأكابر أبا محمد محيي السنة والدين السيد الشيخ عبد القادر الجيلي آمين. رضي الله تعالى عنه ورضاه عنا وبكافة الأولياء والصالحين آمين. نسألك اللهم النصر وفتح المبين برحمتك يا أرحم जाए